નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે વાત કરીશું ધોરણ દસ વિષય હિન્દીના કવિતા નંબર સત્તર કશ્મીર કવિતાના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનો ભૂલશો નહીં કવિતા સત્તર પ્રશ્ન નંબર એક નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લીખીએ પ્રશ્ન નંબર એક कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है तो कवि ने कविता में बताया है कि नावों की नगरी कश्मीर को कहा है प्रश्न नंबर दो कश्मीरी हवा क्या गाती है तो कश्मीरी हवा गीत गाती है प्रश्न नंबर तीन जंगल में किन किन के बीच ओड लगी है तो जंगल ने जंगल के अंदर तितली और टीटी हरियों के बीच ओड लगी है प्रश्न नंबर चार कवि को चश्मे और फूल कैसे लगते हैं तो कवि को चश्मे रूमानी और फूल ईमानी लगते हैं प्रश्न नंबर दो निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए प्रश्न नंबर एक कश्मीर में सुबह किस तरह होती है तो कश्मीर में सुबह बहुत सुहानी होती हैं सनसन करती हुई शीतल हवा चलती है शालीमार बाग सेलोनियो से भरा रहता है बोरे गुंजार करते रहते हैं ऐसे सुहाने वातावरण में सूर्य की किरणें उभरती हुई दिखाई देती है इस समय ऐसा लगता है कि मानो झील के किनारे किरण मालिन का रूप धरकर अवतरित हुए हो और वो डलियों में धूप को भर कर ले आई हो वो इस धूप को बजरों में बिखेर रही हो प्रश्न नंबर दो कश्मीर की रक्षा के लिए कवि क्या कहते हैं कवि कश्मीर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये भारतवर्ष की बर्फीली पगड़ी की तरह है यहाँ की सुंदर घाटियों अमरनाथ की राहों शेष नाग के क्षेत्र देवदार के हरे भरे वृक्षों के आच्छादित हैं इस क्षेत्र में सर्वत्र तिरंगा झंडा ओहरा रहा है आज कश्मीर में अशांति व्याप्त है हमें इसकी जी जान से रक्षा करनी है दुश्मन को डट कर मुकाबला करना है हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कश्मीर पर किसी तरह की आंच न आने पाए प्रश्न नंबर तीन कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण कैसा होता है कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है यहाँ की हवा में गीत संगीत की स्वर लहरी का आवाज़ होता है लगता है हवा में किस नए नए गजल का स्वाद गूंज रहा हो प्रश्न नंबर चार पश्मीना ध्वज से कवि का क्या तात्पर्य है पश्मीना ध्वज का अर्थ है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा ये झंडा हमारे देश की शान मान और हमारा प्राण है इसके तले देश के सभी निवासी सुरक्षित है ये सौम्य ढंग से नागरिकों की रक्षा का प्रतीक है प्रश्न नंबर पांच कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी क्यों कहा है कश्मीर की प्राकृतिक छटा मन को मोह लेने वाली है सरोवर है जिनमें सैलानी सुंदर नावों में नौका विहार का आनंद लेते हैं नावे कश्मीर की पहचान है इसीलिए कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी कहा है प्रश्न नंबर तीन निम्नलिखित प्रश्नों का पांच-छह वाक्य में उत्तर लिखिए प्रश्न नंबर एक कवि कश्मीर दर्शन के लिए आह्वान देते हुए कश्मीर का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं कश्मीर अत्यंत सुंदर और रमणीय प्रदेश है इसकी प्राकृतिक रचना मन को मोह लेती है। कवि कश्मीर का फूलों की घाटी नावों की नगरी के रूप में वर्णन करते हैं आहा अनेक सुंदर सरोवर है जिनमें सैलानी नौका विहार का आनंद ले सकते हैं शालीमार बाग को सैलानियों की आकर्षण का केंद्र बताया गया है झीलों के किनारे सूर्योदय का अनूठा दृश्य देखने को मिलता है घाटी में मखमली धूप गलीचों का अहसास दिलाती है कहीं बस्ती है तो कहीं वोरान मनभावन स्थान है शीतल पाने वाले झरने और कोमल फूलों की भरमार है घाटी में देवदारू के पेड़ों की शोभा निराली है अमरनाथ की पवित्र गुफा और शेषनाग सरोवर है कवि फूलों की घाटी और नावों की सुंदर नगरी में चलने के लिए लोगों का आह्वान करते हैं प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए पवन तो समीर पंचित और चमन तो उद्यान आलम तो सृष्टि मल्लाह तो माजी मौसम तो ऋतु तो तो के विरोधी शब्द लिखिए। खाटी तो शिखर स्वर्ग तो नरक श्याम तो श्वेत मीठी तो कड़वी दूर तो निकट प्रश्न नंबर निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए બર્ફ તો બર્ફીલા હિમ તો હિમાની મખમલ તો મખમલી સ્વર્ગ તો સ્વર્ગીય વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે ત્યાર પછીના પાઠ અને કવિતાના સોલ્યુશન મેળવવા આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં